भाजपा नेता प्रीतम लोधी अब अपने बयान को लेकर बैकफुट पर आ गए हैं। गौरतलब है कि उन्होंने ब्राह्मण समाज और महिलाओं को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ब्राह्मण समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से खासी नाराज हैं और उनके खिलाफ प्रदेश भर में मोर्चा खोले हुए हैं। भाजपा नेता प्रीतम सिंह लोधी के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की भी जमकर किरकिरी हो रही है। उनके बयान से नाराज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने नेता प्रीतम सिंह लोधी को तलब किया, जिसके बाद वह शुक्रवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे और उन्होंने लिखित में प्रदेश अध्यक्ष को माफीनामा दिया। इतना ही नहीं, अब बड़बोले भाजपा नेता प्रीतम लोधी जनता के सामने सफाई देते फिर रहे हैं, जिसके बाद से अब वह ब्राह्मण समाज के पैर पकड़कर माफी मांगने की बात कह रहे हैं। बयान को लेकर चर्चाओं में रहे प्रीतम लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, भाजपा के नेता हैं। सर, आपके बयान जो आया था उसके बाद आज आपको बीजेपी कार्यालय तलब किया गया। मेरे इस बयान को टोल मरोल कर बनाकर पेश किया गया है, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से मुझे पत्र मिला, नोटिस मिला। माननीय बीडी शर्मा जी से मैं मिला, उनको मैंने अपना सफाई में पत्र दिया। सफाई में मैंने उसमें एक ही चीज़ कहा है कि मैं अगर मैंने गलती की है तो उस गलती को मैं स्वीकार करता हूं और ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगता हूं। किसने तोड़ा मरोड़ा आपके इस बयान को? किस कांग्रेस के लोगों ने इसको तोड़ मरोड़ किया, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं तो उन्हें कांग्रेस के लोगों को तोड़ मरोड़ना शुरू से ही आदत है। तो उन्हें पता है कि पिछोर विधानसभा सीट 6 बार से कांग्रेस के खाते में जा रही है, अब उनको अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है, इसलिए वो ऐसे कृत और ऐसे ढूंढ कर लाने के और काट पीट के बयान करने के पेश करने के आदि हो चुके हैं। तो आप क्षमा भी मांग रहे हैं दूसरी तरफ? जी बिल्कुल, अगर मैंने गलती की है तो क्षमा मांगनी भी चाहिए मुझे। अगर गलती की है मैंने तो क्षमा मांगू, क्यों नहीं मांगूंगा? ब्राह्मण समाज तो सर्वोपरि, भारतवर्ष की क्या पूरे देश की सर्वोपरि समाज है, वो ज्ञान वर्ग समाज है, वो आशीर्वाद देती है, सब देती है, तो मुझे भी ब्राह्मण समाज आशीर्वाद दे। अपने बयान को लेकर अब जो है कि बैकफुट पर नजर आ रहे हैं बीजेपी के नेता, आज उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों से माफी भी मांगी है। गौरतलब है कि इनके बयान के बाद से जो है ब्राह्मण समाज में खासी नाराजगी थी।